The brutal rape and disemboweling of a 23-year-old medical student, Jyoti Singh, on a moving bus in Delhi, made headlines around the world back in December 2012. And in the wake of a controversial new documentary, India's Daughter, we spoke to Jyoti's parents about their response to the film and the Indian government's decision to ban it. देखिए फिल्म हमने देखा है लेकिन पूरी तरह से नहीं देखा कुछ एपिसोड हमने उसमें देखा है जैसे अच्छा या बुरा से मतलब हमें नहीं है ये कोई मायने नहीं रखता है कि अच्छा है या बुरा है क्योंकि ये सब चीज़ें तो हमने झेल चुका है कोई सुनेगा हम तो आंखों से देखे हुए हैं इस चीज़ को तो हमारे ऊपर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि कोई क्या कह रहा है देखेगा नहीं देखेगा अच्छा है बुरा है हमारे को उससे कोई मतलब नहीं है ये जब BBC ने दिखा दिया YouTube पे डाल दिया तो ये थोड़ी है कि आप बैंड लगा दे लेकिन देख तो सभी लोग रहे हैं किसी न किसी हिसाब से देख रहे हैं The documentary featured an interview with Mukesh Singh, one of the six men convicted for the attack. He claimed Jyoti was responsible for the rape, since she was out so late and chose to fight back. हमारे लिए तो मायने रखता है कि अब तक वो जिंदा है अब उसका परिणाम सामने है कि वो ऐसे बोल रहा है तो हमारे लिए तो मायने रखता है कि उनको जल्द से जल्द फांसी की सजा मिले लेकिन देखिए उसका बयान का कोई मायने नहीं रखता क्यों कि वो सजा पाया हुआ मुजरिम है जेल में है तो वो कुछ भी कह सकता है लेकिन उसने जो किया है अपने मुंह से बयान कर रहा है तो उसके लिए वो क्या कहा अपनी गलती छिपाने के लिए वो किसी को भी कुछ भी कह सकता है लेकिन हमको तो नहीं लगता है कि कोई महिला चाहे कोई बच्ची अपने को किसी के हवाले करेगी कि नहीं हम कुछ नहीं बोल रहे तो हमें तो कम से कम इतनी तसल्ली है कि नहीं हमारी बच्ची ने अपने जी जान अपने आप को बचाने के लिए लगा दिया हम ऐसा तो कोई भी नहीं चाहेगा कि नहीं हमारे साथ कुछ भी हो हम बोले नहीं लड़की जिम्मेवार है लेकिन जो स्कूलों में हो रहा है कॉलेजों में हो रहा है चार चार पाँच पाँच साल की बच्चियों के साथ उसका कौन सा कसूर है वो कौन से जिम्मेवार है वो कौन से जाके 9 बजे घूमती है समय कोई मायने नहीं रखता आपको नौकरी करनी है आपको पैसे कमाने हैं बिना पैसे की आपकी ज़िंदगी नहीं चलेगी तो आप नौकरी नहीं करेंगे तो कुछ नहीं करेंगे नौकरी कब करनी पड़े आपको किसको पता है मान लीजिए कि एयरपोर्ट पे 3 शिफ्ट चलता है क्या उसमें लड़कियां नहीं होती है रात में भी चलता है दिन में भी चलता है 3 शिफ्ट चलता है ऐसे ही कॉल सेंटर है उसमें भी नाइट ड्यूटी चलती है तो हर जगह लड़कियों का औरतों की भागीदारी है तो हम कह दें इसका मतलब है कि औरतों को काम ही नहीं करना चाहिए पढ़ना ही नहीं चाहिए औरतें चुपचाप घर में बैठे तो हमारा समाज चल पाएगा ये Jyoti's parents are still struggling to come to terms with the realities of life without their beloved daughter. बहुत फर्क पड़ा अभी भी हम आप पूछ रहे थे कि आप जल्दी खा लेते हैं जल्दी हमारा कोई टाइम ही नहीं है कब बनाएंगे कब खाएंगे कई बार ऐसी समस्या हो जाती है अब इसी दौरान कई दिन हम खाना ही नहीं बना पाते हैं बनाते हैं तो खा भी नहीं पाते हैं हमारी बेटी तो चली गई हमारी पूरी फैमिली बर्बाद हो गई इस पे इससे हमारे बच्चों पर कितना अब बाहर सब लोग कोई विरोध कर रहा है कोई कुछ कर रहा है अब बच्चों पर कितना फर्क पड़ रहा है हम ही जानते हैं आजकल पेपर का टाइम है वो जब थी तो हम लोग थोड़ा था खाते थे तो भी हम लोग खुश रहते थे जैसे शाम को चिड़िया चारों तरफ से आकर अपने घोंसले में चहचहाती है चहकती है वैसे हम लोग खुश रहते थे याद तो भूले ही नहीं तो याद उसमें कहाँ से आ गई हम लोग भूले ही क्या हैं उसका हंसता हुआ चेहरा उसका टाय टाय बाबा बाय बाय करते हुए आना जाना जब देहरादून से आती थी हम ड्यूटी से आते तो छुप जाती थी माँ के पीछे कि सरप्राइज दे रहे हैं पापा को अब नहीं है तो सारा हमारा परिवार गमगीन है कोई कहीं रोता है कहीं कोई रोता है हम एक जगह किसी के सामने रोते नहीं हैं लेकिन अलग अलग हर कोई रोता है ज़िंदगी एक पहेली बन गई ज़िंदगी हम लोगों की एक पहेली बन के रह गई है आगे देखो तो कुछ नहीं दिखता है पीछे देखो तो कुछ नहीं दिखता है कहें तो किससे कहें और क्या कहें
हमारा हम लोगों का तो सिर्फ एक ही ध्येय है कि जो हुआ तो ठीक है, जो हो गया तो हो गया, लेकिन आइंदे से तो अब ना हो। And memories of Jyoti's ordeal still haunt Asha. उसको दुख मिला है, उसके सिवाय और कुछ नहीं आता। कहीं जाते हैं, कुछ काम भी करते रहे तो उसके साथ जो कुछ हुआ वही दिमाग में घूमता रहता है। हाँ, बोलते थे कि बड़ा होकर डॉक्टर बनना। पढ़ने लगी, चाहे उसको ये लगा कि हमें पढ़ना है, शुरू से उसका तो ये नियम था कि जैसे आप छोटे बच्चों को देखते हैं कि स्कूल में भेजते समय बच्चे रोने लगते हैं, नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा उसके पास कुछ नहीं था, रोना धोना नहीं था। बल्कि स्कूल हम किसी दिन कह दें कि बेटा आज नहीं जाना है किसी वजह से, तो वो रोने लगते कि नहीं हमें जाना है। तो मतलब एक आम बच्चों से अलग उसका सिस्टम था, अलग था। हम लोग उसको ये नहीं देखते, जान पाते थे कि वो कब पढ़ती है और कब सोती है। तो वो जैसे एक कमरा उसका अलग था जिसमें पढ़ती थी, तो कहीं दीवार पर कुछ लिखा है, कहीं कुछ लिख करके कागज़ पर टंगा हुआ है, लेकिन वो इस तरह से रहती थी कि मतलब एक हम आम बच्चों से अलग थी। वो हमारे दोनों बच्चे अभी भी सामने ही हैं, लेकिन इनसे अलग थी वो। उसके अंदर कुछ दैवी शक्ति जरूर थी।